नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्वियसली अगर आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको अलग अलग ड्राइव दिया होता है, जो कि एक सी ड्राइव, डी ड्राइव और ऐसे ऐसे अलग करके जो है आप अलग अलग फोल्डर बना सकते हैं जिसमें आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्राइव होता है वो होता है सी ड्राइव। अगर सी ड्राइव आपका भर जाता है तो फिर आपका कंप्यूटर काम नहीं करता है, कंप्यूटर हैंग करने लगता है और कंप्यूटर काफी ज्यादा स्लो हो जाता है। काम करते 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 आप देखते होंगे कि आप जब काम कर रहे हैं, रेगुलर काम कर रहे हैं, तो कुछ दिनों के बाद जो आपका सी ड्राइव है उसमें जितना भी आपने स्पेस दिया है वो रेड दिखाने लगता है, यानी कि जो जोन खतरा वाला डेंजर जोन है वो दिखाने लगता है। और उसके बाद से आप देखते होंगे कि आपके कंप्यूटर्स एंड सिस्टम जो है वो हैंग भी करने लगते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अगर आपका भी ऐसा ही सी ड्राइव कंप्यूटर का अगर रेड हो जाता है तो उसको ग्रीन कैसे किया जाता है, क्या उसमें जो स्पेस है उसको खाली किया जाए, क्या डिलीट किया जाता है, कौन सी फाइल को डिलीट किया जाता है ताकि उसको फिर से ग्रीन कर दिया जाए और अपने कंप्यूटर पर बेहतर और स्मूथ तरीके से काम किया जाए। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि किस तरीके से आप भरे हुए स्पेस को खाली कर सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं और आज मैं आपको बताता हूं कि जैसे कि हमारा सी ड्राइव देख रहे हैं कि 145 GB का है लेकिन 508 MB बचा हुआ है, तो इसको जो है हमें कैसे खाली करना है, क्योंकि जब ये खाली नहीं होगा तो फिर सोचिए कि आपका जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो हैंग कर जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि रिफ्रेश मार्कर में दिखा रहा हूँ कि 507 MB है। अब देखते हैं कैसे खाली करना है, क्या क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर विंडो है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर रन पर क्लिक करना है। रन पे जैसे क्लिक करते हैं आपके सामने एक ऑप्शन आता है, नीचे आता है PNG लिखा हुआ, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एडिट करना है और यहाँ पर टेम्प फाइल डालना है, TEMP। टेम्प फाइल डालने के बाद ओके करना है। इसके बाद क्या करना है कि जितने भी फाइल्स आ रहे हैं सारे को सिलेक्ट कर लेना है, बहुत ज़्यादा फाइल्स होंगे। इसको क्या करना है कि सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट और डिलीट के साथ इसको डिलीट करना है, शिफ्ट और डिलीट के साथ, याद रखिएगा। इसको एस कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर डू कर रहा है तो ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ये पहला स्टेप हो गया, इसको आपको ये कर देना है। फिर से क्या करना है, आपको फिर से रन में जाना है। रन में जाने के बाद क्या करना है, आपको परसेंट यहाँ पे परसेंट करना है, परसेंट टेम्प परसेंट, ठीक है, परसेंट टेम्प परसेंट, और यहाँ पर ओके करते हैं। ओके करते हैं तो यहाँ भी कई सारे ऑप्शन आते हैं, एक बार फिर से करते हैं, कुछ गड़बड़ हो गया लग रहा है। रन पर जाते हैं और यहाँ पर परसेंट टेम्प परसेंट टेम्प परसेंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन, इसको क्या करते हैं टोटल जो है हम लोग सिलेक्ट करके और शिफ्ट और डिलीट कर देते हैं, यहाँ से जी इसको हटा देते हैं। यहाँ पे कुछ कह रहा है तो कुछ हटेगा कुछ नहीं हटेगा, ठीक है। तो ये दो स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है कि फिर आपको जो है यहाँ पे एक बार और जाना है रन पे और यहाँ पर प्रीफेज करना है, PREFACH प्रीफेज करना है, यहाँ पे ओके करते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू करना है और कंटिन्यू करने के बाद जो भी ऑप्शंस यहाँ पे आ रहे हैं यहाँ पे क्या करना है आपको सारा का सारा सिलेक्ट करना है और शिफ्ट और डिलीट के साथ इसको डिलीट कर देना है, ठीक है। अब क्या करना है, तीन स्टेप हो गया। इसके बाद क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पर कंप्यूटर पे जाना है। कंप्यूटर पे जाने के बाद आपको क्या करना है कि रिसाइकल बिन, और रिसाइकल बिन का जो है ये एम्प्टी रिसाइकल बिन कर देते हैं, यहाँ पे एच कर देते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे अनइंस्टॉल का क्लिक करना, अनइंस्टॉल, या फिर कोई भी एप्लीकेशन, जैसे मान लीजिए मेरा ये एप्लीकेशन है, कोई भी चीज़ आप देखिए कि अनवांटेड हो जाता है तो इसको अनइंस्टॉल पे करना है। यहाँ पे मोर पे जाना है और आपको ओपन फाइल लोकेशन, यहाँ पे चले जाते हैं। यहाँ पे जब जाते हैं तो आपको ना कई सारे सॉफ्टवेयर दिखते हैं, तो जो सॉफ्टवेयर काम का नहीं है उसको आप राइट क्लिक करके आप जो है इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मैंने नहीं रखा है इसमें ज़्यादा सॉफ्टवेयर, तो जो आपको अनवांटेड सॉफ्टवेयर हैं उसको आप डिलीट कर सकते हैं, ये भी एक जो है इसका हिस्सा है, ठीक है। ये थर्ड स्टेप हो गया। आप क्या करते हैं कि अब मैं चलता हूँ यहाँ पर, यहाँ पर चलता हूँ, देखिए 3.49 GB खाली हो गया तीन स्टेप में। अब आपको क्या करना है कि यहां पर जाना है, राइट क्लिक करना है, यहां पर क्या करना है आपको प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है। जैसे ही प्रॉपर्टीज पे क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं कि यहां पर टूल का ऑप्शन आता है,
टूल का ऑप्शन आने के बाद यहाँ पर देखिए आपका एक ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे ऑप्टिमाइज पे क्लिक करना है। जैसे ही ऑप्टिमाइज पे क्लिक करते हैं, देखिए आपको सिलेक्ट करना है सी ड्राइव, तो सी ड्राइव पे क्लिक करके आपको यहाँ पर क्लिक है ऑलरेडी, यहाँ पर ऑप्टिमाइज कर देना है। ठीक है, ऑप्टिमाइज कर देते हैं, यहाँ पर हो रहा है ऑप्टिमाइजेशन रनिंग 49% 67.9% पास्ट 1% डिफ्रिगेटेड। ठीक है, तो ये जो है इसको छोड़ देना है, ऐसे ही छोड़ देना है, इसको पास हो जाएगा 1x1। ठीक है, यू ये जो है ये अपने आप में ये कहीं ना कहीं हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको जो है छोड़ दीजिए, इसको क्या करना है जैसे हो रहा है उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, लेकिन ज़रूरी है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आपको पांचवें स्टेप में क्या करना है कि यहाँ पर डालना है आपका DISC डिस्क क्लीनअप पर क्लिक करना है, और क्लीनअप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओके करना है। ओके जैसे ही करते हैं, देखिए यहाँ पर आप सारा जो है डिस्क क्लीनिंग जो है आपका होता नज़र आ रहा है। थोड़ा देर इंतज़ार कर लीजिएगा, ये जो है सिस्टम एरर मेमोरी डंप्स फाइल्स, ये जो है अपने आप को स्पेस जो है वो पूरा का पूरा क्लीन कर रहा है। ये भी देख रहे हैं 1.1% डिफ्रेगमेंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पर आपको चेक कर लेना है, सारा चेक कर लीजिए, जो भी आपका रिसाइकल जो भी अलग अलग फाइल्स है उसको क्या करना है, यहाँ पे क्लीनअप सिस्टम फाइल्स करना है, यहाँ पे ओके कर देना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हो रहा है, यहाँ पे क्लीनिंग हो जाएगा। तो बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ी देर बाद देखिएगा अपने आप जो है स्पेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। 5.something GB था, MB था, और आप देख रहे हैं कि 3.9 जो है ऑलरेडी जो है ये हो चुका है। तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, जैसे ही सारा प्रोसेस अपने आप खत्म होगा, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। जैसे ही प्रोसेस सारा खत्म होता है, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करने के बाद ये जैसे ही प्रोसेस ख़त्म होगा, आप ये देख लीजिए जैसे ही ये प्रोसेस ख़त्म होगा अपने आप जो है ये स्पेस हो जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पे ओके कर देते हैं, डिलीट फाइल्स कर देते हैं। अब यहाँ पर डिस्क क्लीनिंग हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डेटा जो है ना फाइल का है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर डिफ्रेगमेंट हो रहा है तो आपको यहाँ पे होने दीजिए, रनिंग में है, लेकिन रिफ्रेश मार के देखते रहना 3.56 GB। ऐसे करके देखिए जैसे जैसे ये जो प्रोसेस है ना, ये हार्ड डिस्क का प्रोसेस है, ये कंप्लीट हो जाएगा, पूरा का पूरा पास हो जाएगा, तब इसको आप रिमूव कीजिएगा। तो आपका यहाँ का जो सिस्टम, यहाँ का जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेसेबल हो जाएगा। थोड़ा सा रुक जाइए, मैं आपको दिखाई दूंगा। तो दोस्तों देखा आपने, जो सी ड्राइव हार्ड डिस्क था वो 4 यानी कि ओके जो है 10% इनफ्रेगमेंट हो गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद चलते हैं हम लोग सी ड्राइव में, जहाँ पे हम लोग का कंप्यूटर था। यहाँ पर सी ड्राइव है, इसको क्या करते हैं, रिफ्रेश मारते हैं। रिफ्रेश मारेंगे थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर आप रुक जाइएगा। थोड़ी देर बाद जब रुकते हैं तो आपका अपने आप सारा जो मामला है ये सेट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो स्पेस आपका खाली होगा पूरा का पूरा प्रॉपर हो जाएगा, और इस तरीके का स्पेस जो है आपके मोबाइल कंप्यूटर में दिखने लगेगा। ठीक है, ओके। तो दोस्तों देखा आपने, इस तरीके से आप आसानी से, अगर आपका सी ड्राइव रेड हो चुका है तो आप कई तरीकों को अपना कर स्पेस खाली कर सकते हैं, और फिर आप अपने ड्राइव को जो है वो ग्रीन बना सकते हैं, जिसके बाद से आपका कंप्यूटर काफी ज्यादा स्मूथ काम करेगा। तो मुझे लगा कि आप सभी को ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती है, हमें भी हुई थी, तो आपको जानकारी देना हमारा फर्ज है, तो ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बताइए। बाकी वीडियो पसंद करते हैं तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाइए, पिंटू सिंह यादव सर्च कीजिए, वहां से जुड़िए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल देता हूं, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।